अस्सलामुअलैकुम एवरीवन जी। तो देख के आपको आइडिया हो गया होगा, आज फिर मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ। आज है फ्राइडे और ये जी छोटे भाई की साइड है, तो इधर बनने हैं साथ में फ्राइज़, निम्को है, बिस्किट्स हैं और चाय मेरी भी बन चुकी है। ये अम्मी बैठी अपना खा रही हैं और यहाँ पे मैंने अपनी तैयारी करके रख ली है और बच्चे खेलने में बिज़ी हैं गेम। अब इन्हें भी लगाते हैं खाने की तरफ, हम खाते हैं अपने फ्राइज और फिर चलते हैं नेक्स्ट क्लिप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। आज है जी संडे मॉर्निंग, नो सैटरडे, सैटरडे मॉर्निंग और हम सुबह में बाहर बैठे हुए हैं। थोड़ी सी देर के लिए धूप निकली थी लेकिन उसके बाद फिर धूप तो गायब हो गई है और अब जो है बड़ी मज़े की हवा चल रही है। जैसा कि मैं अम्मी की तरफ आई हुई थी, मैं उठ के फिर लॉन में ही आ गई हूँ कि यहाँ भी बैठ के नाश्ता करते हैं और यहाँ बैठ के फिर हम जो है अब मज़ा कर रहे हैं। बच्चे मेरे साथ हैं। हेलो फातिमा। हेलो। तो आप भी मेरे साथ जो है मौसम को एंजॉय करें। धूप में भी बैठने का अपना ही मज़ा है लेकिन इस मौसम में भी आपने अगर खुद को कवर किया हो अच्छी तरह से तो इसमें भी फिर बैठने का मज़ा आता है। बाल नहीं है आपके? हाँ, आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं। मम्मा ने बनाए? अच्छा, आपके बाल ऑफिस चले गए? अच्छा, ये वीडियो बाबा भी चले थे, मामू भी चले थे। अच्छा, तो आपको नहीं लेके गए? नहीं, चले थे। अच्छा चलो ठीक है। पांच लाए, हां लाए, दो ला भी लाया। अच्छा वाह जी वाह, फिर तो मजे आने वाले हैं। बाबा लाए भी दादी पे। अच्छा, फिर आप भी साथ गई थी कोला लेने? खाने। अब आप कोला खाओगी? और जी साथ में बच्चे पढ़ रहे थे, चिकन भी लेके आए हो, फिर तो बहुत मजे आएंगे। साथ में जी नॉवल पढ़ी थी, ये क्या लिखा हुआ? मैगज़ीन। हाँ जी, ये बच्चों का जी कुछ है। ये हाथ है? ये हाथ है? ये किसका हाथ है? ये हाथ नहीं है, खून है। खून है? खून है? ये किसका खून निकला हुआ है? निकला हुआ है। बच्चों के पढ़ने में बड़ा अच्छा नॉवल लग रहा है, इन्फॉर्मेटिव है काफी। पेजेस भी हैं इसके। ये भी सीडी है। ये भी सीडी है? चलो आप भी सुनाओ फिर। एबीसीडी। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी F Y N G. Now my A B C. Next time and you say with me. Wow, clapping! इतनी अच्छी सुनाई है फातिमा ने। चलें जी, मिलती हूँ next clip में। मैं बैठ के बच्चों के साथ जो मजे करती हूँ। मेरा आ गया है नाश्ता, मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता। ऑमलेट वाला सैंडविच बनवाया मैंने, साथ में चाय है। अम्मी भी मेरे साथ ही बैठी हैं लेकिन अम्मी पीती हैं सुबह सुबह अपना कहवा। ये पड़ा हुआ है अम्मी, इसमें शक्ल कितनी प्यारी आ रही है कहवे की, वाह पुड़ाता हुआ। ये जी फिटनेस के लिए, अगर आपको भी इसकी रेसिपी चाहिए हो, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा इसकी जो है रेसिपी, वो भी फिर मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। चलें मैं करती हूँ अपना नाश्ता और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लिप में। जी तो आज फिर मैं अपना एक जो है वो ड्रेस कटिंग करने जा रही थी। मेरे पास फैब्रिक है, ये इस पे जो स्टैम्प लगी हुई है वो अलकरम स्टूडियो की है लेकिन ये लोकल मार्केट से जो है 1500 का मिला था। इसमें अभी मेरे फ़ोन में एक तो कलर्स जो है ना वो एग्जैक्ट नहीं आते हैं, इसके बड़े प्यारे प्यारे से कलर्स हैं और इसका प्रिंट जो है वो इस तरह लेंथ में आएगा कुछ इस तरह से। मैं आपको ऊपर से भी दिखाती हूँ, ये जी कुछ इस तरह से इसका प्रिंट आएगा। तो अब मैं करने जा रही थी इस ड्रेस की कटिंग और ये भी मैंने सोचा है कि मैं इसको खुद ही स्टिच कर लूँ। तो अब मैं करती हूँ इसकी कटिंग और साथ साथ फिर जो है क्लिप्स वो आपसे शेयर करती हूँ कि कैसी कटिंग हुई है, किस तरह से ये स्टिच होगा। चलें चल के फिर इसकी कटिंग करते हैं। अम्मी की तरफ आई हुई थी और साथ में मैंने ये जी अब
मशीन का सेटअप लगाया हुआ है, क्योंकि मेरा सूट था स्टिच होने वाला जो ये सारा शुरू किया हुआ है मैंने। इसकी जो आपको दिखाई थी कि इसको मैंने कटिंग कर लिया था, अब स्टिचिंग का प्रोसेस जो है साथ साथ चल रहा है। ये भी जब कंप्लीट हो जाएगा ड्रेस तो फिर ये भी मैं आपको दिखाऊंगी। ये कुछ इस तरह से यहाँ पे चीज़ें बिखरी हुई हैं सारी, और खाना शाना खा के हम लोग फ्री हो चुके हैं। और यहाँ पे जो है मैंने आयरन स्टैंड पे भी सारा अपना जो है गन डाला हुआ है। अभी थोड़ी देर में फिर बस इनको समेटती हूँ, क्योंकि कंप्लीट होने वाला ट्राउज़र मैं स्टिच करने लगी थी, तो जैसे ये सूट फिर कंप्लीट होगा तो बाकी सूट जो हैं एक दो और भी थे उनका फिर आपको पूरा एक जो है व्लॉग वो फिर अपलोड करूँगी। तो अब मैं चलती हूँ अपना सूट स्टिच करती हूँ, और फिर हम नेक्स्ट क्लिप में मिलेंगे। यहाँ हम जा रहे थे शॉपिंग करने के लिए, तो रोड्स पे बारिश हुई थी क्योंकि सुबह के टाइम, और इतना ज़्यादा पानी खड़ा था कि मेरा दिल इतना ख़राब हुआ कि पाकिस्तान में हालात जो हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। आने जाने वालों के लिए, स्पेशली जो पैदल चलने वाले, उनके लिए इतनी मुश्किल उन्हें हो रही थी आने जाने में। तो ऐसे कीचड़ बना हुआ था ज़्यादातर रास्ते में, और बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात थे। अभी ये कुछ एरियाज़ में ज़्यादा था और कुछ में कम था, जहाँ पे कुछ इस तरह से हालात जो हैं वो बने हुए थे जी। तो यहाँ इम्तियाज पे गए थे हम लोग शॉपिंग करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि हम दोस्तों को वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करने देते, लेकिन रश खुदा की पनाह, आपको खड़े होने के लिए आप इजीली जो है इतने रश में शॉपिंग नहीं कर सकते हैं कि आपको हर जगह पे खड़े होने के लिए भी जगह जो है वो ढूंढनी पड़ी थी। और जहाँ पे बिल बन रहा था इतनी लंबी लंबी लाइन थी कि बंदा वैसे ही जो हेक्टिक हो जाता है। तो कोशिश करें कि संडे के रोज़ को ना ही जाएँ, थोड़ी मुश्किल हो जाता है फिर उस दिन शॉपिंग करना। हम हैं जी बड़े भाई की तरफ और छोटे भाई की तरफ खाना है। अम्मी जा चुकी हैं और मैं भी जा रही हूँ पीछे पीछे, बाकी सब भी बच्चे तैयार शर हो रहे हैं, तो उधर चलते हैं खाना खाने के लिए। आपको भी मैं साथ लेके चलती हूँ। ये अम्मी के रूम से हम बाहर निकले हैं और ये अब हम जा रहे हैं दूसरे भाई की तरफ। ये इधर से निकल के ये जी हम आगे किचन में, और एक किचन से जाएंगे फिर निकल के हम दूसरे किचन में। ये जी आ गया आधा रास्ता हमारा, और अब ये हम आ गए छोटे भाई की तरफ। तो चलें जी अंदर चलते हैं। ये पहुंच गए हम अंदर, अब खाने में देखते हैं क्या है बना हुआ। ये है जी आज का खाने का मेन्यू, दाल और साथ में गोश्त, और यहाँ पे बना हुआ सैलेड, चने की दाल। यहाँ बैठे खा रहे हैं अम्मी और साथ में भाई अपना खाना। तो चले मैं भी खाती हूँ अपना खाना। यहाँ बनके आ चुका है नाश्ता, और नाश्ते में है आज चेक करते हैं पराठा, ऑमलेट, दही, लस्सी, चटनी है साथ में, और अचार है, और इसमें क्या चीज़ है चेक करना पड़ेगा इसके अंदर क्या है। इसमें है जी शक्कर है आई थिंक, दही में डालने के लिए जिसने जो चीज़ डालनी हो। गरम गरम नाश्ता आ गया, नाश्ता करके चाय जो है वो फिर हम जाते हैं बाहर बैठ के पीने के लिए, कि आज ज़रा धूप निकली हुई अच्छी अच्छी सी, बैठ के फिर करते हैं नाश्ता और उसके बाद चलते हैं बाहर। आज जी हम आए हैं बाहर धूप लेने के लिए, उठे ज़रा लेट हैं क्योंकि रात में ज़रा लेट सोए थे, तो अब जो है बाहर बैठने आए थे कि चाय जो है वो बाहर बैठ के पीते हैं, नाश्ता जो है वो अंदर बैठ के कर चुके हैं। तो अब यहाँ बैठ के साथ साथ पियेंगे चाय और साथ साथ करेंगे मौसम को एंजॉय। बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मौसम हुआ है। आप क्या कर रही हो? आप खेल रही थी? बच्चे भी बाहर खेलने लगे हुए थे। तो अब चलते हैं ज़रा
ये मैं हूँ, ये मेरा साया है और यहाँ पे वॉक हो रही है। तो चलें फिर चाय पीते हुए दोबारा आपसे मिलते हैं। यहाँ जी अम्मी खड़ी हैं, सात बच्चे हैं, अपनी जो दास्तान है सुना रहे हैं सब, कि खेलते फिर रहे थे बच्चे। चलें फिर चाय पीते हुए दोबारा आपसे मिलते हैं जी। तो वापसी पे मैं चाय की और पैकिंग की और वापसी आते हुए वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर सकी, क्योंकि बस जल्दी जल्दी में वापस आने का प्लान बन गया। प्लान तो पहले से ही था, लेकिन बस एंड टाइम पे पैकिंग की 5-10 मिनट्स में। भाभी ने समोसे बना लिए थे शाम में, तो चाय के साथ बस समोसे खाए और उसके बाद आनन फानन बस हम वापस आ गए। कि ड्राइवर ने वापस जाना होता है अपने घर, तो इसलिए था कि उसके वापस जाने से पहले पहले जो है हम वापस चले जाएं। अब सामान आया पड़ा है और मैं बस इसे अनपैक कर रही थी, तो मैंने सोचा चले ये आपके लिए एक क्लिप रिकॉर्ड कर लूँ और उसके बाद फिर जो है अपनी अनपैकिंग स्टार्ट करती हूँ। तो इसके साथ ही इस वीडियो का एंड यहाँ पे करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।